सबसे पहले हम कढ़ाई में रिफाइन ऑयल डालेंगे। अब तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम गार्लिक डालेंगे, लहसुन, इसे 2 मिनट फ्राई होने देंगे और साथ ही साथ इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल देंगे। याद रहे आप इसे लो फ्लेम पे बनाएं, वरना आपका जो गार्लिक है वो जल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस। जैसे ही आप इसमें अनियन ऐड कर दें, आप फ्लेम को हाई कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा मिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से और इसे 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए गाजर और थोड़े बीन्स और हम इसे इस तरीके से फ्राई करके 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा पत्ता गोभी और इसे भी मिक्स करेंगे। अब इन वेजिटेबल्स को हम 3 मिनट्स तक ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। याद रखिएगा आप इसमें नमक मत डालिएगा, वरना सारा वेजिटेबल्स बहुत ही जल्दी गल के नरम हो जाएगा और हमें थोड़ा क्रंची वेजिटेबल्स चाहिए। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और अब आप फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए, आँच को एकदम धीम कर दीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस करना स्टार्ट करेंगे। एक ढक्कन विनेगर, थोड़ा सोया सॉस, रेड चिली पाउडर, थोड़ा ब्लैक पेपर, एजिनोमोटो, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा शुगर, थोड़ा टोमेटो सॉस का फ्लेवर पसंद है तब आप इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए। और अगर आपको इसको और तीखा करना है तो थोड़ा चिली सॉस। अब गैस को तेज करके आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। आप 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करते रहिए, जिससे हमारा ये जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए और खाने में बहुत ही क्रंची टेस्ट आए। आप देख सकते हैं हमारा चाइनीज़ फ्राइड राइस तैयार हो गया। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज़।